चलो ना कान्हा, अब बता भी दो कौन है ये प्रलम्भासुर। ठहरिए ना दाऊ, पहले हमें अपनी बांसुरी के लिए उत्तम बांस खोजना है, उसके पश्चात ही मैं आपको सब बता दूंगा। किंतु तुम्हारे पास पहले से ही बांसुरी है कान्हा, तुम्हें नई बांसुरी क्यों चाहिए? बांसुरी तो है दाऊ, किंतु मैया मुझे उपहार में नई बांसुरी देना चाहती हैं, और हम उसी बांसुरी के लिए यहाँ बांस ढूंढने आए हैं। तुम क्या कहना चाहते हो कान्हा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो उपहार तुम्हें मैया देना चाहती है वो तुम स्वयं बना रहे हो। मुझे चुनिए प्रभु। ये बांस उपयुक्त रहेगा। कान्हा, बलराम कहाँ हो? आओ खेलते हैं। गोकुल का तो नहीं लगता, फिर ये कौन है? अरे रुक जाओ, ठहरो तुम सब। क्या हुआ सुबल? बलराम, क्या तुम में से कोई इसे जानता है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गोकुल के तो नहीं लगते। अचानक हमारे दल में खेलने कैसे लगे? मेरा नाम संजय है, मैं यह काम ढूंढने आया हूँ। तुम सबको खेलता देख मैं भी तुम्हारे साथ खेलने लगा। बस मैं अपने पिताश्री की प्रतीक्षा कर रहा था ना, वो गांव से निकलकर गोकुल ही आने वाले हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे फिर मैं और मेरे पिताश्री गोकुल के शाहूकर धनुपति के पास जाएंगे। ताऊ का नाम पति, वो तुम्हारे ताऊ जी है। देखो, हम तुम्हें नहीं जानते हैं, तो हम तुम्हें हमारे साथ खेलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। नहीं सबल, ऐसा करना उचित नहीं। ये हमारे गोकुल के अतिथि हैं, और हमें अपने अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अर्थात ये हमारा मित्र अपने आप हो गया। आओ संजय, चलो खेलते हैं। हाँ हाँ। ऐसे क्या देख रहे हो कान्हा? नहीं दाऊ, कुछ नहीं। मुझसे छिपाओ मत, जानता हूँ कुछ गड़बड़ है। मुझे ये संजय कुछ ठीक नहीं लगा। देखो, मेरे लल्ला का जन्मदिन आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे उपहार में एक अच्छी सी बांसुरी दूँ। तुम बांसुरी बना तो लोगे ना? कैसी बातें कर रही हैं नंदरानी जी, ये देखिए, ये भी मैंने ही बनाई है। कितनी सुंदर है ना, और इसका स्वर बहुत ही मधुर है। ठीक है ठीक है, प्रतीक्षा करो, कान्हा भी बांस लेने गया है। और स्मरण रहे, ये अब तक की उसकी सबसे अच्छी बांसुरी होनी चाहिए। बताओगे भी? पहले इससे तो जान लो दाऊ कि ये कौन है। अब ये एक नया रहस्य, पहले वाला भेद खोलते नहीं हो, दूसरा भेद पहले ले आते हो, ऐसा क्यों करते हो? सब ज्ञात हो जाएगा दाऊ। लो लल्ला भी आ गया। लल्ला आए थे, आओ बैठो। महोदय, ये है कान्हा, मेरा पुत्र। काना, बांस की लकड़ी जाके उन्हें दे दे।
यही तेरी बांसुरी बनाएंगे। जा पुत्र दे दे। बालक ये कैसे बांस ले आए हो? इससे तो उत्तम बांसुरी ना बना पाऊंगा मैं। अगर मुझे पता होता तो इससे उत्तम बांस तो मैं खुद ले आता। अब क्या करेगा ना, बांस के बिना तो बांसुरी बन ही नहीं पाएगी। तो जाकर कोई दूसरा बांस लेकर आ जा। चिंता ना करे मैया, मैं हूं ना। ठीक है, तो बैठ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ठीक है मैया। अगर तुम कहो तो इससे उत्तम बांस जाके मैं ले आऊं। कोई बात नहीं, मैं इस बांस में भी प्रयास करके देखता हूं। अरे ये कैसे बन गई? लगता है काका आपने मेरी बांसुरी बना दी। लाइए मुझे दीजिए, मैं इसे बजा कर देखता हूँ। बताइए दाऊ, आप क्या सुनना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं सुनना कान्हा। क्या हुआ दाऊ, आप मुझसे रूठे क्यों हैं? क्योंकि कान्हा तुम मेरा बार बार उपहास बना रहे हो। बताओ ना मुझे, कौन है ये प्रलम्भासुर? क्या कहानी है इसकी? मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ और तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूंगा? बताओ मेरा क्या संबंध है उस प्रलम्भासुर से? और उस नए लड़के संजय के बारे में क्या जानते हो? मुझे सब जानना है। अच्छा दाऊ, तनिक धैर्य रखिए दाऊ, जल्द ही मैं आपको सब बता दूंगा। आप बस मुझसे रुष्ट मत होइए। नहीं जानना मुझे कुछ भी, करो जो तुम्हें करना है। अच्छा तो आप मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते दाऊ? इसका भी उपाय है मेरे पास। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। क्या आदेश है हमारे लिए? आपका कोई भी कार्य करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदेश मेरा नहीं, दाऊ का है मुनिवर जी। आपको बस दाऊ के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। दाऊ तो मुझसे बात नहीं कर रहे ना। तो सोचा क्यों ना आपको ही बुला लूं। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम कार्य किया आपने प्रभु। वैसे भी स्वर्ग लोक में हमारा समय व्यतीत नहीं हो रहा था। आपको तो पता ही होगा कि प्रलम्बासुर गोकुल में प्रवेश कर चुका है। जी प्रभु, क्या है हमें? तो ऋषिवर बताइए दाऊ को, कौन है वो दैत्य जिसे मामा श्री ने भेजा है? और क्यों मामा श्री सदैव असुरों को गोकुल पर आक्रमण करने के लिए भेजते रहते हैं? नारायण नारायण, अवश्य प्रभु, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। जब जब पृथ्वी लोक पर पाप और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब उसका विनाश करने के लिए स्वयं प्रभु पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। कंस के पाप का गड़ा शीघ्र, अति शीघ्र ही बढ़ने वाला है और उसका अंत निश्चित है।
किंतु वो अपना कार्य तो अवश्य करेगा। और गोकुल में आया बालक संजय ही प्रलम्बासुर है। और उसे यहाँ बेचकर कंस ने अपने पापों का घड़ा और भर दिया है, जिसका परिणाम उसे शीघ्र अति शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा। अच्छाई और बुराई का द्वंद है ये, जो सदियों से चला आ रहा है। और वर्षों पहले हुई आकाशवाणी को असत्य सिद्ध करने के लिए कंस बार 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 आप दोनों का अंत करने का प्रयास कर रहा है, ताकि वो अमर हो जाए। और हर युग में ऐसा ही होता है। यही तो मैं जानना चाहता था कि और ये सब क्या और क्यों हो रहा है। नारायण नारायण, हम आपको सब आराम से बताते हैं। मरीच तो आपको स्मरण होगा ही प्रभु। मरीच, ये कौन है? दाऊ, मरीच रावण के मामा श्री थे। किंतु उसका इस कहानी से क्या संबंध? नारायण नारायण, संबंध है प्रभु। और संबंध ये है कि त्रेता युग में आप दोनों प्रभु श्री राम और आप प्रभु श्री लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे। मरीच तो आपको स्मरण होगा ही प्रभु। मरीच, ये कौन है? दाऊ, मरीच रावण के मामा श्री थे। किंतु उसका इस कहानी से क्या संबंध? नारायण नारायण, संबंध है प्रभु। और संबंध ये है कि त्रेता युग में आप दोनों प्रभु श्री राम और आप प्रभु श्री लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे। प्रभु, मरीच समुद्र के तट के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहकर नित्य प्रति निरंतर केवल ध्यान मग्न होकर तप किया करते थे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भला एक असुर ध्यान कैसे लगा सकता है? हाँ दाऊ, मरीच एक असुर था, किंतु ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करने के पश्चात उसे इस बात का अनुमान हो गया कि जिस मार्ग पर वो चल रहा है वो उचित नहीं है, और तब से वो ये सब त्याग अपना ध्यान केवल तप पर केंद्रित करने लगा। फिर नारायण नारायण, फिर उनका तप पूर्ण हुआ और एक दिन स्वयं लंका नरेश रावण पुष्पक विमान में बैठकर उनसे भेंट करने हेतु आए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मामा श्री, भांजे रावण आओ, स्वागत है। बीच ने उसका आदर सत्कार किया और रावण ने उनकी कुशलता पूछने की वजह सीधा मुख्य बात पे आ गए। नारायण नारायण। मामा श्री, उस वनवासी राम ने और उसके भाई लक्ष्मण ने मिलकर मेरी बहन सूर्पनखा की नाक काटकर उसका घोर अपमान किया है। मामा श्री, यही नहीं, उसने मेरे अनुज और उसकी समस्त सेना को परास्त भी किया है। किंतु मैं मौन नहीं रहूंगा, मैं दशानन लंकेश रावण हूं। मैं मौन नहीं रहूंगा, मैं उससे इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा, अवश्य। यदि उसे उसके किए का पश्चाताप न करा दिया तो मेरा नाम लंकेश नहीं, दशानन लंकेश रावण। मैं उस राम की स्त्री सीता का अपहरण करना चाहता हूं, और इस कार्य को करने के लिए
मुझे आपकी सहायता चाहिए मामा श्री। मेरे पास सीता का अपहरण करने की एक योजना है, किंतु उसके लिए मुझे आपकी किसी का भी रूप धारण करने की विद्या की आवश्यकता है। आप स्वर्ण मृग का रूप धर कर जाएंगे और सीता को लुभाएंगे। नहीं रावण, मेरा राम से सामना हो चुका है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। रावण, प्रतिशोध की आग में तुम अपना और अपने राज्य का और अपने असुर समाज का नाश कर बैठोगे। मैं भविष्य देख सकता हूँ रावण, इस प्रतिशोध में केवल नाश होगा, यही सत्य है। इसलिए कह रहा हूँ ऐसा अनर्थ मत करो। ये फिर क्या हुआ कान्हा? यदि मारीच भविष्य देख सकता था तो रावण को उनकी बात सुननी चाहिए थी। नियति के आगे प्रभु भला कभी किसकी चलती है? रावण अपने शक्ति और सामर्थ्य के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि उसे अपने प्रतिशोध के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और यहीं से आरंभ हुआ विनाश, घोर विनाश। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ ऋषिवर? क्या मारीच ने रावण की सहायता की? मैं लंकेश हूँ, लंकेश। और लंकेश ने वचन दिया है, लंकेश अपने वचन से पीछे कदापि नहीं हट सकता, कदापि नहीं। उसके किए का दंड मैं उसे अवश्य दूंगा, अवश्य। मामा श्री, मेरी योजना बहुत ही सरल है। आपको बस एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करना होगा और आपका ये रूप देखकर सीता अवश्य आकर्षित होगी और अपने पति राम को अवश्य आपको पकड़ कर लाने के लिए कहेगी। और मामा श्री, और जब वो दोनों भाई आपको पकड़ने आपके पीछे आएंगे तो मैं इस अवसर का लाभ उठाकर सीता का अपहरण करूंगा। अपहरण? कैसा अनर्थ करने जा रहे हो रावण? अपने हक को त्याग दो, मेरा राम से सामना हो चुका है। ऐसा करके तुम अपने काल का आवाहन कर रहे हो। मामाश्री, ये कैसी कायरों की भांति बात कर रहे हो? उस राम से आप इतने भयभीत हो गए हैं या मुझ पर लंकेश की सामर्थ्य पर संदेह कर रहे हैं? मामाश्री, आपको मेरी सहायता करनी होगी, मेरे लिए ना सही, अपनी भांजी के लिए आपको स्वर्ण मृग का रूप धारण करना ही होगा, समझे आप? अर्थात रावण ने अपने मामा श्री मारीच की बात नहीं सुनी? हाँ प्रभु, उन्होंने अपने मामा श्री की एक ना सुनी, क्योंकि रावण ने निर्णय ले लिया था कि वो माता सीता का अपहरण अवश्य करेंगे, चाहे इस कार्य में मरीच उनका साथ दे या ना दे। नारायण नारायण। ठीक है मामा श्री, यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको अपना आधा राज्य दूंगा, और यदि नहीं तो मैं लंकेश अभी इसी समय इसी क्षण आपका वध कर दूंगा। मरीच संकट में था, उसे ज्ञात था कि यदि वो रावण की बात मानेगा तो उसका अंत प्रभु श्री राम के हाथों होगा, और यदि वो रावण की बात नहीं मानेगा तो स्वयं रावण उसी क्षण उसका अंत कर देगा। स्वामी, मुझे वो मृग चाहिए और आपको उसे मेरे लिए लाना ही होगा। मेरी सहायता करो। ये मेरे स्वर में क्यों पुकार रहा? अवश्य कोई छल है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विष्णु, मैं अपना प्रतिशोध अवश्य लेके रहूंगा। मैं आ रहा हूँ कृष्ण, मैं आ रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय कृष्ण पर भारी संकट की दशा है।